नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पीएम आवास योजना शहरी की पंजीकरण डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। तो आज की वीडियो में बताएंगे, इसकी पूरी डिटेल देंगे, तो आइए जानते हैं। योजना और शहर का नाम दोस्तों, ये जो योजना है सिविल लाइंस योजना पीएम आवास योजना की, और शहर का नाम है आपका गोंडा, ये गोंडा में है। और फ्लैटों के पीएम आवास योजना भवनों की टोटल संख्या जो है ये G+3 टाइप के फ्लैट हैं और इनकी टोटल संख्या 156 नग है। और इनकी सुपर एरिया आपका 34.07 वर्ग मीटर है, कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर है। प्रति फ्लैट भवन की टोटल लागत जो है 6 लाख रुपया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि जो है 2.5 लाख रुपया है। और पंजीकरण धनराशि जो है आपको जमा देनी होगी 5,000 रुपया, और शेष धनराशि जो आपको देनी होगी सब्सिडी मिलने के बाद 3,45,000 रुपया है। फ्लैट और भवन के जो मासिक किस्तों की संख्या एवं प्रति किस्त की धनराशि, तो मासिक किस्तों की संख्या टोटल 60 होगी और पर मंथ जो आपको धनराशि देनी होगी 5,917 रुपया। तो ये आपका डिटेल है, ये आपका जो 156 नग जो ये फ्लैट है ये आपका सिविल लाइंस गोंडा में है पीएम आवास योजना के। तो इसमें जो आपका पंजीकरण जो पुस्तिका आपको लेनी होगी, 100 रुपये का भुगतान करके SDFC बैंक हाउस नंबर 144 मोहन टावर स्टेशन रोड गोंडा से आप प्राप्त और जमा करें। इसमें आपका आवेदन जो होगा ऑफलाइन होगा और आप इसमें ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल देता हूँ कि बहराइच का, बहराइच भिनगा मार्ग योजना में भी पीएम आवास योजना के मकान हैं बहराइच में। ये भिनगा मार्ग योजना बहराइच है, तो इसमें टोटल भवनों की संख्या 96 है और बाकी की डिटेल सब वही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो इसकी पंजीकरण पुस्तिका 100 रुपये का भुगतान करके SDFC बैंक 1180 डिगीहा गोंडा रोड बहराइच से प्राप्त कर सकते हैं और जमा करें। तो ये सारी डिटेल है, और पंजीकरण धनराशि यहाँ पर भी 5,000 रुपये आपको देनी होगी। और ऑफलाइन सेवा प्रदाता बैंक एवं अधिकारी का मोबाइल नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ। SDFC बैंक गोंडा का जो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं गोंडा में, तो मोबाइल नंबर आपका होगा 9838666 और आपका 685 है, ये मोबाइल नंबर है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 9838666 और 685 है। और इसके बाद SDFC बैंक बहराइच मोबाइल नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, 700-791-0400। तो ये आपका SDFC बैंक गोंडा का मोबाइल नंबर है और SDFC बैंक बहराइच का मोबाइल नंबर है। तो अगर आप गोंडा में अप्लाई करना चाहते हैं पीएम आवास योजना के और गोंडा में रहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बहराइच में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ के निवासी हो, तो बहराइच में अप्लाई कर सकते हैं। और ये पीएम आवास योजना शहरी का पंजीकरण ये चल रहा है और इसकी डेट पहले से, ये रजिस्ट्रेशन चल रहा था, इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों मैंने इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ पर उपलब्ध ई पंजीकरण पुस्तिका भी देख सकते हैं। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ, 1800-1805333, और लैंडलाइन नंबर है 0522-22-36-803 है। ऑफिस का पता मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ, ये इसका ऑफिस का भी पता है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की। तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की है। और पंजीकरण की जो डेट बढ़ा दी है वो कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 28/2/2022 तक के इसमें आप पंजीकरण करवा सकते हैं, आपका गोंडा सिविल लाइन्स योजना में और आपका बहराइच भिनगा मार्ग योजना में, तो दोनों में ये डेट बढ़ा दी गई है। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए फटाफट और अपने घर का सपना साकार कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी में जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।